नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ बिंद्रा मोटर्स पे गुरप्रीत भैया के पास। और अभी जो गाड़ी आई हुई है वो आई है टोयोटा की हाई राइडर। ये काफी डिफरेंट गाड़ी है, मिल भी नहीं रही इजीली। बेस मॉडल है और काफी इसमें चेंजेस कराने की जरूरत पड़ती है, जैसे इसमें स्टीरियो वगैरह भी लगा नहीं आता। तो भैया बताएंगे कि इस गाड़ी में हमने क्या काम किया अब ये जो हमारे पास गाड़ी आ रखी है टोयोटा हाई राइडर आई है ई वेरियंट। अब ई वेरियंट आप सबको पता ही है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आता। तो कस्टमर की कुछ टिपिकल रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को यूट्यूब चलाना है, मेरे को 9 इंच का डिस्प्ले चाहिए। तो फिर हमने फिर उनको ये बोला कि आप एक ब्रांडेड एंड्रॉयड लो। अब ब्रांडेड एंड्रॉयड की तो पूरी रेंज है हमारे पास, बट फिर हमने एक चूज़ करा कि ऑनक्यो। अब भैया ने भी बोला कि ऑनक्यो क्यों, ऑनक्यो एक ऐसा ऑडियो मतलब डेडिकेटेड ब्रांड है, उनका पहली बार एंड्रॉयड आया। तो हमने बोला कि आप ये लगाओ, इसके साथ मॉरल के कॉम्पोनेंट लगाए हम उनकी गाड़ी में। और जो डैम्पिंग यूज़ करी हमने सीटी के गोल्ड यूज़ करके, मतलब प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है सीटी के की डैम्पिंग। ऑनक्यो आप सर्च करो, ऑनक्यो क्या चीज़ है तो पता लगेगा कि क्या है एंड्रॉयड। ये स्पीकर्स जो यूज़ करें मॉरल के यूज़ करें। गाड़ी की एमिड लाइट यूज लगाई है, K4 सीरीज की लगाई है, क्योंकि तो भैया को पसंद था कि यार थोड़ा स्पेक्ट्रम में चले तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी स्पीकर्स भी मैंने देखे हैं कि दो पेयर कंपोनेंट्स लगे हैं प्रॉपर, जिससे जो साउंड करके, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को साउंड अच्छा चाहिए, स्पीकर अच्छे चाहिए, तो उसके हिसाब से जैसा भी है। गाड़ी हम आपको एक बार दिखाते हैं। हाई राइडर में स्टार्टिंग मॉडल से ही आपको पुश बटन स्टार्ट और स्मार्ट की मिलती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे इसमें। बाकी गाड़ी आप देख सकते हो फ्रंट से कितनी ज़बरदस्त लगती है, ये साइड से भी काफ़ी बिग साइज कार है। तो आप अगर इस गाड़ी को लेना चाहो तो इससे अच्छा ऑप्शन इस प्राइस में तो अभी नहीं है। अब बात करते हैं गाड़ी में काम क्या हुआ है। तो अभी थोड़ा सा आप देख सकते हैं रात हो चुकी है, हेडलाइट हमने ऑन कर दी है। इसके अंदर जो हेडलाइट है वो काफ़ी वीक थी। कस्टमर का ये कहना था कि रोड पे जो थ्रो है जब उन्होंने चलाया इसको तो कुछ खास नहीं था, और फॉग लैंप लगाने का भी उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ज़बरदस्त LED इसमें लगाई गई है जो है मैक्सलिंक की 200 वॉट AMG सीरीज। ये पर पीस 100 वॉट होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि 200 वॉट का एक पीस है, बट ऐसा नहीं है, ये 100 वॉट होता है पर पीस, और टोटल में 200 वॉट बोला जाता है इसको। लेकिन इसकी जो रोशनी है वो ज़बरदस्त है, कोई मैच नहीं है इस प्राइस के अंदर जिसमें ये आती है। आप देख सकते हो वाइट लाइट है, और आप कुछ चीज़ें इसमें और भी देख पा रहे होंगे, जैसे साइड में क्लैडिंग वगैरह लगी हुई है इसके अंदर। उसके अलावा इसके डोर वाइजर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे क्रोम वगैरह लगा हुआ है। ये ऑलरेडी कस्टमर पहले से लगवा के आए थे। जो यहाँ पर लगाया गया है वो इसके ऊपर जो रूफ रेल्स है, रूफ रेल्स लगाई गई हैं यहाँ पर। आप इसकी फिट एंड फिनिशिंग देख सकते हैं, जैसा कि कंपनी फिटेड आती है उसी तरह की फिट एंड फिनिश यहाँ पे आ रही है। उसके अलावा एक्सटीरियर में इसमें एज सच कुछ काम नहीं हुआ है, गाड़ी जैसी भी है वो कंपनी से ही लेके आए थे। बाकी इसमें जो रियर की तरफ चेंज किया गया है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। एक कैमरा लगा हुआ है इसमें पीछे, उसके अलावा एक पार्सल ट्रे लगाई है, और तीसरी एक जो है इसमें डिक्की में लाइट लगाई है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से पीछे सामान वगैरह रख दें रात के टाइम तो आसानी रहेगी। बाकी चीज़ें जो हैं ऑडियो वगैरह का जो भी काम है वो एक बार अंदर बैठ के गाड़ी को आपको इंटीरियर में दिखा देता हूँ। इंटीरियर में सबसे पहले नज़र आ रही है एम्बिएंट लाइट, ये ऐप कंट्रोल लाइट है। तो अभी इसको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सिंक किया जा रहा है ताकि वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख सकें, जो भी उनको कलर्स वगैरह इसमें पसंद है वो चेंज कर सकते हैं कस्टमर। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें एंड्रॉयड स्टीरियो लगा हुआ है 9 इंच का ऑनक्यो का। दो पेयर इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स लगाए गए हैं। एक बार पहले जो ये सेट हो जाए इसकी लाइटिंग वगैरह, इसको म्यूजिक को एक बार प्ले करके सुना देते हैं कि किस तरह का इसमें साउंड आउटपुट आ रहा है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है तो आज इस गाड़ी में लिमिटेड ही काम हो रहा है। ये गाड़ी दोबारा एक बार आएगी अपहोल्स्ट्री के लिए, वो अलग से होना है काम। आज का जो काम था उसमें एक बार आपको जो म्यूजिक है वो सुना के दिखा देते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है।
साउंड आप पता नहीं जज कर पाए होंगे कि नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑनक्यो बेस्ट है अगर आप साउंड आउटपुट अच्छा चाहते हैं, क्योंकि एक म्यूजिक डेडिकेटेड कंपनी और अच्छे ही प्लेयर बनाती है। बाकी यूएसबी पोर्ट इसमें लगा दिया गया है नॉर्मल, प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसके अंदर मैट्स वगैरह भी लगाए गए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं काफ़ी, और ब्लैक कलर के लगवाए हैं कस्टमर ने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एम्बियंट लाइट, मैट्स, स्टीरियो, दो पेयर कॉम्पोनेंट स्पीकर, रिवर्स कैमरा, उसके अलावा रूफ रेल्स, फ्रंट में एलईडी हेडलाइट, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं रिवर्स कैमरे के इसके अंदर व्यू कैसा आ रहा है। तो ये सारा काम आज इस कार में हुआ है, और जो अमाउंट इसमें लगा है इस सारे काम में जो खर्चा आया है वो आपको इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा सा प्लान और है इनका, सरकार जिनकी ये गाड़ी है कि इसमें वो अपहोल्स्ट्री करवाना चाहते हैं, उसके लिए गाड़ी दोबारा आएगी, बट उसकी कॉस्टिंग इसमें ऐड नहीं की जाएगी, कि जो अपहोल्स्ट्री होनी है उसकी जो कॉस्टिंग रहेगी वो उस दिन जो डिसाइड करेंगे तभी बता सकते हैं कि कितने का इन्होंने काम। आप सबने देख ही लिया होगा किस तरह का काम हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरे कोई नोन भी थे जिनकी ये हाई राइडर है, तो मैं चाह भी रहा था इसमें बेस्ट काम हो। बाकी भैया अमाउंट जो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि टोटल इसमें खर्चा कितना आया, तो वो आपको बताना होगा ताकि बाकी लोग भी ये काम आके आराम से यहाँ करा सके। देखो प्राइसिंग से क्या होता है, बंदा कनेक्ट कर लेता है कि यार मेरे बजट में काम हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो काम हर बजट में होता है, स्टार्टिंग ऑर्डर 25-30 हज़ार से लेके, बट जो भैया की गाड़ी में काम हो 65,000 का काम हुआ था सारा। तो उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट की तो ब्रीफिंग हमने आपको दी है। प्रोडक्ट जो लगे मेन है, प्रोडक्ट क्या लगा रहे हो आप। देखो एंड्रॉयड 6,000 का भी आता है, एंड्रॉयड 15,000 रुपये का भी आता है, 20,000 रुपये का भी आता है, बट सारी चीज़ आती है कि आपने क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है उसके ऊपर सारी क्वालिटी डिपेंड करती है। बाकी ऐसा काम कराना हो आपने, आप आ सकते हो बिंद्रा मोटर्स पे जो जनकपुरी डेली हाट के बिल्कुल ऑपोजिट पड़ता है। Thank you.